लोकतंत्र का महापर्व का उत्साह राजधानी भोपाल में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही भोपाल के प्रमुख मतदान केंद्रों पर जो है कि मतदाताओं की लंबी लंबी कतार लगी हुई है। 7 तारीख है आज और आज लोकसभा जो तीसरा चरण है उसका मतदान यहां पर करवाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि भोपाल में 2000 से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मैं जहांगीराबाद के एक मतदान केंद्र पर यहां मौजूद हूं। आप मेरे साथ साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो मतदाता हैं वो कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। महिला मतदाताओं की भी यहाँ पर कतार है और जो लोग हैं वो मतदान करने के लिए यहाँ पर उत्सुक नजर आ रहे हैं। भोपाल में लकी ड्रा भी निकाला गया, लोग मतदान करने के लिए पहुँचे, उनसे बात करूँगा। सब मतदान करने के लिए आए हैं, अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं जी, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? लग कर रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं समझता हूँ हर सिटीज़न को ये करना चाहिए, क्योंकि आज प्रेजेंट टाइम में ये सबसे बड़ी ड्यूटी है हमारी और हमें गवर्नमेंट ने ये राइट दिया है, तो हमें चाहिए कि अपने राइट का पूरा ऑप्ट करें, उसको यूज़ करें और ये आज की जनता की रिक्वायरमेंट है। अगर वोट नहीं डालेंगे और अपना मत नहीं जाहिर करेंगे, अपनी राय नहीं जाहिर करेंगे, तो जो हालात आज हमारे स्पेशली हमारे मुल्क के हैं वो कभी भी नहीं बदलेंगे। भोपाल में मतदान प्रतिशत बढ़ा, उसको लेकर ड्रा भी का प्रशासन ने निकाला, जिला प्रशासन की ओर से ड्रा भी निकाले गए, कई लोगों को हीरे की अंगूठी भी मिली है। दैट डजंट मेक्स एनी डिफरेंस, उससे मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क पड़ेगा। ये हो सकता है कि इससे मतदाताओं को थोड़ा सा अट्रैक्ट करने की कोशिश की गई है, तो ये हो सकता है एक अच्छी पहल हो, मगर मुझे तो ये चाहिए कि जितने भी मतदाता हैं उन्हें खुद चाहिए कि वो आएँ, आकर वोट डालें और जो हालात हमारे मुल्क के हो रहे हैं उनमें कुछ चेंजेस हो सकता है हमारे अपने वोट से आ जाए। ठीक है, तो ये थे, इन्होंने अपनी एक अच्छी बात करी है कि वोट हमें ज़रूर करना चाहिए। महिलाएं मेरे साथ हैं, वोट डाल के आई हैं, आपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, क्या कहेंगी? जी, मैंने अपने देश के हिंदुस्तान की तरक्की के लिए वोट डाला है और जो काम नहीं हुए वो होए अच्छे काम, इसके लिए मैंने वोट डाला है। ठीक है जी, वोट करके आप बाहर आई हैं, अपना साई का निशान अगर आप दिखाएं तो बेहतर रहेगा। ये साई का निशान भी यहाँ पर दिखा रही हैं, वोट किया है, लोकतंत्र का महापर्व है, उत्साह के साथ आपका उत्साह जो है उसके चेहरे से नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, फर्स्ट टाइम वोट करा है ताकि अच्छी सरकार बन सके और हमें हमारे हक मिल सके, क्योंकि मैं ऐसी फील्ड में हूँ कि मुझे बहुत कुछ करना है अपने देश के लिए, वैसी मैं सरकार चाहती हूँ। आपने भी मताधिकार का प्रयोग किया है, क्या कहेंगी आज? ये मेरा फर्स्ट वोट है, सरकार अच्छी बने बस यही। अच्छा, लेकिन जब आपका वोटर लिस्ट में नाम आया था कितनी उत्सुकता थी कि आप फर्स्ट टाइम वोट करने जा रहे हैं? जी बहुत खुशी थी, बहुत खुशी थी क्योंकि फर्स्ट टाइम वोट है। तो भोपाल में करीब 2000 से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए और सभी जो लोग हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं अंकल से बात करना चाहूँगा, सर मतदान केंद्र पहुँचे हैं, वोट आपने किया है? अभी नहीं, यहाँ आए थे। हाँ अभी आए, लाइन बहुत लंबी है। अच्छा, लाइन लंबी है, थोड़ी। अच्छा, तो क्या कहें, आज तीसरा चरण का मतदान है, लगातार भोपाल में जो मतदाताओं का उत्साह है गर्मी के बावजूद भी बढ़ता जा रहा है। बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। ये मतदान के लिए अच्छी बात है, वो मत के लिए अच्छी बात है जी, देश के लिए अच्छी बात है जी, परसेंटेज बढ़ना बहुत अच्छी बात है, इतनी गर्मी में लोग वोट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, तो गर्मी के बावजूद भी लोगों का उत्साह जो चरम पर है, आप भी वोट डालने आए, फैमिली के साथ बच्चे भी साथ में लाए जी, क्या कहेंगे? बेहतर है, सरकार ने काफ़ी कुछ इसका वो करा है और काफ़ी दिन से रुझान बढ़ाने के लिए भी करा है, क्योंकि हमारा फर्स्ट और सेकंड फेज थोड़ा डाउन गया था जी, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि तीसरा फेज हमारा अच्छा जाएगा जी। अभी भी 44% वोटिंग लगभग हो चुकी है। हाँ, तो मतलब रिजल्ट अच्छा मिलेगा फर्स्ट सेकेंड से तो ज़्यादा। तो 7 बजे से भोपाल में जो मतदान है वो जारी है। आपको मैं बता दूं कि भोपाल में 2034 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, उन मतदान केंद्रों पर लकी निकाले जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वोट का प्रयोग कर सकें उसको लेकर भी कई पहल की गई थी। भोपाल में कई जो आयोजन है वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए वो यहाँ पर देखने को मिले। सुबह 7 बजे से मतदान जारी है, सुबह के समय हालांकि लंबी लंबी कतारें देखने को मिली, लेकिन जब दोपहर आई तो कई जगहों पर गर्मी की वजह से मतदान जो लोग हैं वो कम पहुँचे, लेकिन अब जब शाम का समय है, शाम ढलने सूरज ढलने लगा है, तो मतदाताओं की जो कतार है वो वापस से तेज़ होती जा रही है। मैं आपको और दिखाना चाहूँगा, जहांगीराबाद का ये महाराणा प्रताप स्कूल है, यहाँ पर जो लोग हैं मतदाता हैं वो मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। बात करना चाहूँगा, आपने अपना वोट दिया है, क्या कहेंगी? हाँ, वोट देने आए हैं अभी। ये लंबी लंबी कतार में लोग लगे हुए हैं, इनसे बात करने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। सब गर्मी का मौसम है, लंबी कतार के बावजूद आप अपने वोट का इंतजार कर रहे हैं? करना पड़ेगा, मजबूरी है, मजबूरी, ये तो आपका फर्ज है। मजबूरी भी है कि अब हमारा यहाँ से यहाँ तक हम लोग तो पसीने पसीने भी हो रहे हैं, मगर वोट डालना है, वोट डालना ज़रूरी है हमारा।
इंतजाम नहीं है, लाइट नहीं है? नहीं, सब चीज़ों का इंतजाम है, मगर भीड़ इतनी है कि वो इंतजाम फेल है। अच्छा, जो भी इंतजाम है वो अच्छा है इंतजाम, ऐसा नहीं कि इंतजाम नहीं हो। आप क्या कहना चाहेंगे, सब मतदाता कार्ड का प्रयोग करने आए हैं लाइन में लगे हुए? वो मत करना तो ज़रूरी है, लेकिन बस ये थोड़ा सा कंजेस्टेड है इस टाइम और गर्मी ज़्यादा हो रही है, कूलर पंखा कुछ अगर लगाते तो ज़्यादा बेटर रहता मतदाताओं को परेशान। तो साफ तौर पे देखा जा सकता है कि भोपाल में जो मतदाता हैं उनका जो उत्साह है वो अपने चरम पर है, लगातार जो वोटर्स हैं वो लंबी लंबी कतारों में यहाँ पर खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि देश की तरक्की के लिए ये कतार कुछ भी नहीं है, गर्मी है, गर्मी का जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री क्रॉस कर चुका है, पंखा कूलर कहीं पर है कहीं पर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो मतदाता है बड़ी तादाद में मतदान केंद्र की ओर पहुँचे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कई जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं उनसे भी हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि हमें जब वोटर लिस्ट में हमारा नाम जुड़ा तो उसको लेकर काफ़ी उत्साह था हमारे बीच और उस उत्साह के बीच आज हमने मतदान किया है। तो पहला और दूसरा चरण कहीं ना कहीं पिछड़ गया था, लेकिन जब तीसरे चरण की बारी आई है तो यहाँ पर मतदाताओं का जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। मोहम्मद ताहिर खान, प्रभास अच्छी न्यूज, भोपाल। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।